आज मैं एक बहुत ही क्विक सी मिठाई बना रही हूँ, कोकोनट लड्डू। बनाने में जितनी ज्यादा आसान है, ये खाने में उतनी ही ज्यादा टेस्टी लगती है। इसके लिए एक पैन में 2 छोटे चम्मच घी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 3 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। ये ड्राई ग्रेटेड कोकोनट है, मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसे लो फ्लेम पे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे जिससे इसका कलर चेंज ना हो और ये अच्छे से रोस्ट भी हो जाए। इसे बराबर चलाते रहेंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि फ्लेम को हाई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कोकोनट बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसलिए लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से रोस्ट करना है, तभी कोकोनट लड्डू का फ्लेवर और अच्छा आएगा। कोकोनट बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो इसमें 1.5 कप दूध डालेंगे। आप ये सारी चीजें नापने के लिए घर का कोई भी कटोरी या कप यूज कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें लो मीडियम फ्लेम पे इसे तब तक कुक करना है जब तक कि कोकोनट सारे दूध को अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले, काफी ड्राई सा हो जाए। नारियल अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर चुका है, काफी ड्राई भी हो गया है, तो अब इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे और इसे लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद आप देखेंगे कि नारियल वापस से थोड़ा सा लूज हो जाएगा, क्योंकि चीनी जब मेल्ट होगी तो ये थोड़ा लिक्विडी सा हो जाएगा, बट हमें इसे कुक करते रहना है। इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि कोकोनट वापस से अच्छे से कंबाइन होने लगेगा, तो इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे बराबर चलाते हुए तब तक मिक्स करना है जब तक कि नारियल बिल्कुल अच्छे से बनने लगे। ओवर कुक नहीं करेंगे, बस जब तक ये कंबाइन होने लगेगा तब तक ही इसे कुक करना है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर लड्डू में पसंद है तो आप इसमें इस स्टेज पे थोड़ा सा, मतलब 1/4 छोटे चम्मच जितना इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। मुझे कोकोनट लड्डू में इलायची पाउडर पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। ये मिक्स अब बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कंबाइन हो गया है, बट ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मतलब हमें इसे इसी स्टेज तक कुक करना है कि ये थोड़ा खिला खिला सा रहे, बहुत ज्यादा एकदम डो की तरह नहीं बनाना है इसे। तो फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये जब ठंडा हो जाएगा तब इसका लड्डू शेप करेंगे। नारियल का मिक्स थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, इसे कम्प्लीटली ठंडा नहीं करेंगे, ये हल्का वार्म रहेगा तभी इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई ग्रेटेड कोकोनट लिया है, थोड़ा थोड़ा सा मिक्स लेके इसे लड्डू की तरह शेप कर लेंगे। अब इसे इस ड्राई कोकोनट में रोल कर लेंगे और ये हमारी बहुत ही टेस्टी कोकोनट लड्डू बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। तो ये नारियल के लड्डू बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। इतने मिक्स में मीडियम साइज के 22 लड्डू बना के मैंने रेडी किए हैं। आप ये लड्डू ट्राई करें, बनाने में बहुत ही ज्यादा क्विक है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही अमेजिंग लड्डू बनते हैं ये। आप इसे ट्राई करें और अगर ट्राई करने के बाद पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो।